वीरियस करण को एवरेज कितना टाइम लगता है, और साइंस के मुताबिक या साइंस साइंटिफिक ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो कितना समय बढ़ सकता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इजैकुलेशन जल्दी हो जाना, उसको ही शीघ्र वीर्य पतन बोलते हैं, अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हर पुरुष फेस करते रहता है। मेरे सेमिनार में जितने भी लोग आते रहते हैं, जितने भी लोग हैं सेमिनार में, स्पेशली सेक्स सेमिनार में जो लोग आते हैं, उसमें से 100 में से 90 लोग ये बोलते हैं कि उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है और ये प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। जनरल पॉपुलेशन में स्टैटिस्टिकली, ये तो कोई लोग खुल के बोलते नहीं, मगर जनरल पॉपुलेशन में स्टैटिस्टिकली ऐसा पाया गया है कि 30-40% लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। अभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन से लोग खुश नहीं है, उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, एक घर में रहने के बाद में भी ऐसा कुछ सेपरेट है या डिवोर्स ऐसा रहते हैं, बाहरी संबंध पैदा होते हैं क्योंकि घर में सुख शांति नहीं, तो बाहर चले जाओ, बाहर अपना सेटिस्फाई कर लो, ऐसा काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। इसके अलावा फिर काम में मन नहीं लगना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, बेचैनी, फॉरगेटफुलनेस, मतलब ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम प्री मैच्योर इजैकुलेशन से होते हैं। क्योंकि सेक्स ऐसी बात है कि भूख जो है, पेट की भूख, वो एक नंबर है और दो नंबर सेक्स की भूख है और वो पूरी होनी चाहिए। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो है ये, इसका क्या है, मतलब इसका इलाज क्या करना चाहिए? देखो, कोई भी इजैकुलेशन जो होता है, तो वो इजैकुलेट जो है, मतलब जो बाहर निकलता है, वो 1.5 ml से लेके 5 ml तक निकलता है, 1.5 ml से 5 ml तक। और इजैकुलेशन में एमिशन और एक्सपल्शन ऐसे दो भाग है, 2 phases, एमिशन प्लस एक्सपल्शन। टेस्टिकल से, मतलब जो अंडाशय, वहाँ से जो वीर्य तैयार होता है, वहाँ के जो स्पर्म्स है वो वहाँ से तैयार होते हैं, और वो उसका पूरा रास्ता जो है वो वाया एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, पूरा घूम फिर के वो जाते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से वो प्रोस्टेट को थ्रू करके यूरिनरी ब्लैडर के पास से यूरेथ्रा में जाते हैं और वहाँ से इजैकुलेट होता है। अभी जो पूरा रास्ता है, इसमें सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है, प्रोस्टेट का सिक्रेशन होता है, काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन, मतलब हर वहाँ का पार्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डालता है कि जिसकी वजह से वो स्पर्म जो है वो जीवित रहे, हेल्दी रहे। अब ये पूरा रास्ता जो है ये है एमिशन का, और बाद में एक बार वो पॉस्टेरियर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा आ गया कि उसके बाद में रहा नहीं जाता है, और फिर होता है एक्सपल्शन, फटाक से फिर बाहर आता है, कंट्रोल के बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ये जो है ये एवरेज जो है, एवरेज टाइम कितना होना चाहिए? तो इंसर्शन होने के बाद, मतलब वजाइना में, योनि में लिंग का प्रवेश होने के बाद में, लिंग बाहर वापस आने तक, इजैकुलेट होना और लिंग में वापस आना सुकुड़ के, वो जो टाइम है, वो टाइम के लिए काफ़ी लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया, उनको स्टॉपवॉच दिया गया, 4 हफ्ते तक रिसर्च किया गया, 4 हफ्ते तक, और उनको बोला कि आप अपना टाइम जो है वो नोट डाउन करो कि आपने लिंग में, लिंग का योनि में प्रवेश किया, सेक्स किया, वहाँ से इजैकुलेशन हो गया, बाहर निकला, घड़ी बंद, कितना टाइम हो गया देखो। तो जब इतने सारे लोगों के ऊपर वो रिसर्च किया तो एवरेज टाइम जो निकला वो निकला 5.4 to 5.7 minutes, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट 40 सेकंड बोलो एवरेज टाइम है इंसर्शन होने के बाद में। इसमें फोर प्ले इंक्लूडेड नहीं है, आफ्टर प्ले इंक्लूडेड नहीं है। इसमें जब पूछा गया कि भाई आपको इजैकुलेशन जो होता है वो कितना चाहिए, कितने मिनट तक चाहिए, तो काफी सारे लोगों ने बोला कि 3 से 7 मिनट यदि रहा तो वो एडिक्वेट है, सफिशियंट है, वो जो प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है, 3 से 7 मिनट, ऐसा उन्होंने बोला। मगर ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि 7 से 13 मिनट यदि रहा तो उनको मजा आएगा, मतलब एक्चुअली वो उनको चाहिए मगर रहता नहीं है।
7 से 13 मिनट। अमेरिका में जब रिसर्च किया गया तो वहाँ 33 मिनट से लेकर 37 मिनट तक सेक्स पूरा चला, और उसमें फोर प्ले भी आ गया, इंसर्शन भी आ गया, आफ्टर प्ले भी आ गया, मतलब पूरा मिला के एवरेज में 33 से 37 मिनट तक लोगों ने सेक्स किया। और जब लेडीज को पूछा गया कि भाई आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने बोला कि भाई 14 से 18 मिनट तक ये चला, मतलब इंसर्शन होने के बाद में, तो उनको अच्छा लगेगा योनि में लिंग का प्रवेश होने के बाद। इसके सब इसका निचोड़ क्या है? सब इसका निचोड़ ये है कि इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, डिजायरेबल बहुत ज्यादा है, मगर उतना टिकता नहीं है, एडिक्वेट कितना है वो देखना चाहिए। अब इसमें ये बढ़ाने के लिए क्या है, क्या होता है कि इजैकुलेशन होता है, जैसे इजैकुलेशन ब्रेन में जो एक्साइटेटरी सिस्टम है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसको वहाँ इम्पल्सेस तैयार होते हैं, वहाँ इच्छा तैयार होती है ब्रेन में, और वो वहाँ से जाते हैं स्पाइनल इजैकुलेटरी सेंटर में, इम्पल्सेस जाते हैं वहाँ, संदेश का वहन हो जाता है, और स्पाइनल इजैकुलेटरी सेंटर से डॉर्सल पिनाइल नर्व जो है वो एक्साइट होती है, और वो एक्साइट होने के बाद में वहाँ की नसें फूल जाती है और अंदर ब्लड घुस जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया टोटल, मतलब इच्छा होना बाय इम्पल्सेस, बाय सेंसेशंस, बाय जो भी कुछ है, और बाहर पड़ना, ये कंप्लीट ये साइकिल है, और इसको बोलते हैं एमिशन प्लस एक्सपल्शन। तभी ये जो है जितना चाहिए उतना लोगों को ज़्यादा ही लगता है कि नहीं, ज़्यादा रहा तो अच्छा है। अब ये बढ़ाना है तो फिर क्या करना चाहिए? यदि बढ़ाना है तो फिर आपको लोकल स्प्रे जो है उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स है, लाइडोकिन स्प्रे बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रालोकिन स्प्रे बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉम्बिनेशन के स्प्रे है। तो ये मीटर स्प्रे आते हैं, मीटर मतलब ऐसा है कि आप एक स्प्रे की बॉटल ले लो तो आप 1, 2, 3 इतना बार दो, तो बस एक बार 3 मार दिया तो हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा 3 बार। तो ऐसे कोई स्प्रे में 100 बार मार सकते हैं आप, मतलब 100 डोज मार सकते हैं, कोई इसमें 2000 मार सकते हैं, ऐसा रहता है। तो ये मीटर डोज टेक्नोलॉजी है, और दूसरी है एंटी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये दोनों भी टेक्नोलॉजी का वापर कर सकते हैं, और जब लोगों को स्टडी किया तो 91 पुरुषों ने ऐसा बोला कि हमारा टाइम ये स्प्रे वापरने से 6.5 मिनट्स से लेके 11.2 मिनट तक बढ़ा, मतलब उनको इतना बढ़ गया तो बहुत अच्छा है ना, इतना ही बढ़ता है तो उनको ये दिखाई दिया। इसके अलावा प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए मेडिसिन है, जैसे डेपॉक्सिटिन है, फ्लॉक्सिटिन है, सरेट्रालिन है, काफ़ी सारे मेडिसिन है, बेंजोडाइजिन का वापर करते हैं, थायराइडिन का वापर करते हैं। इसके अलावा इरेक्शन अच्छा सस्टेन होने के लिए फिर साथ साथ उसको टाडालाफिल, सिल्डेनाफिल देते हैं। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक और स्क्विज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल सुपीरियर पोजिशन है, कीगल्स एक्सरसाइज है, अटेंशन डाइवर्शन एक्सरसाइज है, काफ़ी सारी पोजिशंस है। मैं हिप्नोथेरेपी भी सिखाता हूँ, ताकि हिप्नोथेरेपी सीख के आप खुद को रिलैक्स करके, पेनिस को रिलैक्स करके आप अच्छा एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो वैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यदि आप लोगों को सॉल्व करने में मदद करते हैं प्रॉब्लम को, अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और एक वो अच्छा वैवाहिक जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।